पिट गया, शहबाज शरीफ पिट गया, मदीना में पिट गया, ओ और सबको पिटने दो। गाली खा गया, ओ ओ गाली खा गया, शहबाज शरीफ मदीना में गाली खा गया, जूते भी पढ़ने दो, पढ़ने दो। इसी के साथ मैं एक बहुत प्यारा गाना गाना चाहता हूँ, बहुत शॉर्ट में। मदीने वाले को मेरा सलाम कहना, मदीने वाले को मेरा सलाम। तुम्हें गलत फहमी है, समझ में आ गई? वहां मार पड़ेगी बेटा बहुत, मैंने पहले ही कहा था। सियासतदानों को पसंद नहीं करते हैं। जो मदीना में आप जो सोच लेके जा रहे हो ना, सोचने की इच्छा कैसी भी रखे, कुछ भी हो, एक अलग बात होती है, पर मरियम भी नहीं बचा पाई। Who's next? अब अगला कौन है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। अरे भाई मैं कह रहा हूँ काबा में, काबा में सुनो सुनो का, मैं नहीं जानता जी, मैं तो साफ बोलता हूँ, अल्लाह की जगह है या पैगंबर की मुझे तो पता नहीं, पर है वो ऐसी जगह जहाँ सब अपने मन के, समझे, जो विकार होते हैं ना उसके लिए वहां जाते हैं। शहबाज शरीफ तू गलत है, पाकिस्तान के हाँ जी कुछ भी करके बैठ, यहां फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान के हुक्मरानों तुम याद रखो, इमरान खान नहीं हटना चाहिए था, ये न्याय हुआ है बिल्कुल। इमरान खान अच्छा बुरा बाद में तय करेंगे, पर एक स्लॉट जो है वो इमरान खान का है तो है। गलत किया आपने जब पार्लियामेंट ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस रिजेक्ट कर दिया, तो इमरान खान इस्तीफा नहीं दे सकता था, आपने दिलवाया।
नहीं मैं तो, मैंने क्या कहा, मैं अपने भी सारे ऑर्डर बता रहा हूँ, हाँ मेरी वजह से भी हो सकता है। मैंने सबके बारे में बताया, फाइलें ऐसे ही बनती है सर इन्वेस्टिगेशन की। पर मदीना में सब नोटेड डाउन था, उन्होंने बताया तू चोर है शहबाज शरीफ, तू चोर है, और तुझ में अगर जरा सी भी शर्म लिहाज बचा हो ना तेरे में, तो फट पोडियम से दोबारा कैमरे के आगे मत दिखियो, समझ में आई? ये न्याय हुआ है मदीना में, मदीना ने तुझे एक्सेप्ट नहीं किया, वहां के जो भक्त है वहां पे वो समझ गए तू गलत इंसान है। पूरे विश्व ने देखा, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए पैसे के लालचियों के बारे में सबने देखा। जी हाँ, पाकिस्तान की संसद, पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान के मिलिट्री जनरलों को, उनको उनकी असलियत बताई है मदीना ने। मेरा साफ बोलता हूँ, अल्लाह के पास जाने का रास्ता है या नहीं है, न्याय हुआ है, समझ में आई? न्याय हुआ वहां, शहबाज शरीफ, मरियम औरंगजेब, न्याय हुआ है, न्याय, नवाज शरीफ, न्याय हुआ है, तुम्हें तुम्हारी असलियत बताई मदीना ने। वो दौर इमरान खान का लिखा था, तुम उससे छीन नहीं सकते, हारता जीतता युद्ध सब अलग अलग बात है, पर तुम न्याय की कुर्सी पे बैठ के, शरीयत अदालत है पाकिस्तान में, शरीयत अदालत की कुर्सी पे बैठ कर तुम अन्याय नहीं कर सकते। अब तू भले कुर्सी पे बना भी रहना, अब मुझे कोई परवाह नहीं, अब कोई परवाह नहीं है मेरे को, अब मैं बहुत, मेरा मन शांत है। अच्छा किया जो उसकी बेइज्जती करी मदीना ने, बहुत बढ़िया किया। मरियम औरंगजेब, तुझे मैंने पहले समझाया था तू गलत है, इसलिए तुझे, मुझे तेरी शकल अच्छी नहीं लगती। जो गलत होता है ना, वो चाहे कितना खूबसूरत हो, वो पसंद नहीं आ सकता, और सही देखने में कितना ही बद्दा क्यों ना हो, सबको अच्छा लगता है। ऐसे ही संसार चलता है। वो स्लॉट इमरान खान की किस्मत का था और था, बिल्कुल था। आप भले आप फैसला वापस लो चाहे ना लो, कुछ किया हो इमरान खान ने कुछ, पर पाकिस्तान की संसद में, वहाँ छोड़ो तुम्हारे आर्टिकल वार्टिकल सब बेकार, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान लिखा आपने जनाब, पैगंबर साहब, जी हाँ पैगंबर साहब की मस्जिद के पास अगर आपका अपमान किया गया है तो अपमान नहीं किया गया, आपको सजा दी गई है। तेरा मान है क्या शहबाज शरीफ जो तेरा अपमान होगा? तुझे तेरी औकात बताइए। शहबाज शरीफ, मरियम औरंगजेब और तुम्हारी टीम के सारे लोग, तुम गलत हो, बिल्कुल गलत हो तुम। समझ में आ रही है? पाकिस्तान की कुर्सी पे बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति मदीना और काबा की कुर्सी से बड़ा नहीं है। क्या हो तुम? देख लिया,
न्याय हो जाता है भाई, देर सवेर कहीं ना कहीं हो ही जाता है। हर कोई जो है अपनी सत्ता के नशे में चूर रहता है, पर जो सर्वोच्च है ना वो सर्वोच्च ही रहता है। ये सुप्रीम कोर्ट में यहाँ जो बैठा हुआ है, कभी किसी मंदिर में चला जाए, इसको बता देंगे दो मिनट में मोदी को। जी हाँ, साउथ के मंदिरों में घुसने नहीं देते थे बाहर, गर्भगृह में नहीं घुसने देते थे मोदी को। न्याय ऐसे होता भैया, क्या बात कर रहा तू। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान लिख के तुम अन्याय कर दोगे? जब पाकिस्तान की संसद में एक बार उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हट गया, फिर कौन सा अनुच्छेद और अच्छेद और ऐसे ऐसी करा रहा अपनी, फिर किस बात के लिए? कौन है पाकिस्तान का चुनाव आयोग? चुनाव हो चुका भैया, अब छोड़ना। चुनाव घर बार किसी के आने का नहीं होता, किसी को भगाने का भी होता है भैया। चुनाव इस बात का हुआ, इस बार शहबाज शरीफ तू गलत है, मरियम औरंगजेब तू गलत है, इसलिए मैं कहता रहा तेरी शकल अच्छी नहीं है, तू पोडियम पे अच्छी नहीं लगती, तू गलत है, बिल्कुल गलत है तू। हम देख नहीं सकते क्या? हम समझते नहीं है क्या चल रहा है वहां? हैं, देखो समझा क्या हमें? देखो समझा क्या हमें? वाह भाई वाह, मतलब आप पाकिस्तान में रह के मेरे, मैं 786 चांद हितेश, आप मुझे नकार दोगे और पाकिस्तान चला लोगे? वाह भाई वाह। अब मदीना वाले काबा तक तो खैर बात ही नहीं जानी चाहिए, समझे? मदीना वाले अपने आप सलटा देंगे तुम्हें, वो अपने आप सिखा देंगे तुम्हें, ठीक है ना? काबा वालों को तक तो बात ही नहीं जानी चाहिए, समझ भाई? पता लग गया कैसा महसूस हो रहा है? करा ली अपनी ऐसे ऐसी पूरे घर परिवार की, क्या मुंह दिखाएगा अब? कैसे आएगा पोडियम पे? यूं उतार देते हैं किसी की भी खुमारी, समझ भाई? यूं उतार देते हैं। ये रियलिटी है। क्यों? इतना आसान नहीं होता शहबाज शरीफ जी। इमरान खान को आपने जबरदस्ती सत्ता से हटा करके जो है नवाज शरीफ के गैर कानूनी हरकत का को जो है आपने अमली जामा पहनाने के लिए और पाकिस्तान की जनता का, भले कोई बात नहीं, हम भारत में हैं, मेरा अपना कार्य चल रहा है, पर आपकी तरह तो नहीं हूँ और ना पहली गवर्नमेंट्स की तरह भारत में जो कहा है ना, जो किया है, कह के किया है, वीडियो है सारी चेक कर लो, आज कह रहा हूँ ना 10 दिन में करके दिखा देंगे वो वहाँ पे, साफ सीधी बात है, पीठ पे वार नहीं करते हम। वाह।